जो एक्सप्लोजन जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है वो एक नॉर्मल एक्सप्लोसिव या ग्रेनेड या उस तरह के ब्लास्ट होने से जो इम्पैक्ट होता है या जिस तरह का एक माहौल सृष्टि होती है उस तरह का माहौल या उस तरह का ग्राउंड पे सिचुएशन नहीं दिखाई दे रहा है। और वो जो है एक यदि कोई ग्रेनेड फटता है या कोई उस तरह का ब्लास्ट होता है सो वो अलग चीज़ होती है। तो ये हम लोग देख रहे हैं और हम लोगों की अभी जो धारणा है जिस तरह से देखा गया है जिस तरह से बताया गया है उसके हिसाब से जो बच्चे जो हैं कोई बच्चा है उसके हाथ में कुछ कैरी बैग था उसमें कुछ था वो जला रहा था उसमें से आवाज़ हुई एक आवाज़ से दूसरी आवाज़ हुई स्वाभाविक बात है। और इस चीज़ को हम लोग अभी देख रहे हैं कि कैसे क्या हुआ है। जख्म का क्या था? जख्म का जो लड़का था वो लड़का दौड़ा है तो वो गिरा है शायद उसको कुछ चोट लगी है वो हम लोगों के साथ है। बाकी हमें किसी ने कहा कि और दो एक लोग दौड़े हैं तो उनको भी चोट लगी हम वेरीफाई करवा रहे हैं। एक चीज़ है कि जो हिंदी भाषियों के ऊपर जो अभी फिलहाल में ही जो अटैक हुआ था उसके बाद एक अलर्ट का माहौल था ही। अभी ये हंसेसर इलाका भी एक हिंदी ये देखिए हम पूरे गुवाहाटी को हम अलर्ट करके रखे हुए हैं और न सिर्फ गुवाहाटी पूरे आसाम अलर्ट है उस हिसाब से कारण कि ये इस तरह के हमारे जो भी इनपुट्स वगैरह आते हैं हम लोग अलर्टनेस मेंटेन करते हैं। और ये अलर्टनेस मेंटेन करना कोई गलत बात नहीं है। इनपुट्स आते हैं हम इनपुट शेयर करते हैं और उसके बाद में उसी हिसाब से हम अपने फील्ड ऑफिसर्स को सेंसिटाइज करते हैं। सो उसी तरह से हम लोग फील्ड में इन्फॉर्मेशन शेयर करके काम करके आगे बढ़ते हैं। ठीक गाय।